मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं आपको ACL सर्जरी के बाद में जो एक्सरसाइज करते हैं उनके बारे में बताऊंगा। शुरू के 3 वीक्स बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं और जो अपने नी को पेनलेस बनाते हैं, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज काफ़ी इजी हो जाती है। तो शुरू के 3 वीक्स के लिए जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है, इसको अपन एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं या फिर अपना एक रूटीन बना लीजिए उस चीज़ को, वो भी बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं अपन लिम्ब एलिवेशन या पिलो अंडर हील। इसमें देखिए, आपके जिस नी की सर्जरी हुई है उसके हील के नीचे आपको पिलो को लगाना है और नी के नीचे स्पेस रहना चाहिए, उसके नीचे आपको कुछ भी नहीं लगाना है। ये एक्सरसाइज मेनली आपके नी को स्ट्रेट करने के लिए जरूरी है। जब भी आप बैठे हो, जब भी आप सो रहे हो, तो हील के नीचे आप पिलो लगाइए। इसको अपन बोलते हैं लिम्ब एलिवेशन और पिलो अंडर हील। सेकेंड एक्सरसाइज जो अपन इसी पोजीशन में करते हैं उसको बोलते हैं अपन स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स। स्टैटिक क्वाड्रिसेप्स में अपनी जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स होती है उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए की जाती है। इसके अंदर आप नी को अपने ही फोर्स से नीचे की तरफ दबाओगे, और जिस तरीके से मेरे स्टाफ हैं वो आपको समझा रहे हैं कि नी को किस तरीके से दबाना है। फिर आप 10 तक काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आप इसको लूज छोड़ दोगे, फिर उसको वापस आप रिपीट करोगे, नीचे वापस फोर्स लगाओगे, 10 तक काउंट करोगे, फिर आप इसको लूज छोड़ दोगे। इस तरीके से ये आपको 20 टाइम्स रिपीटेशन करना है पर सेशन। एक सेशन में आपको 20 बार इसको रिपीट करना है इस एक्सरसाइज को। थर्ड एक्सरसाइज जिसको अपन बोलते हैं काफ स्ट्रेचिंग। इसमें आपको टॉवल या काफ को खींचने के लिए किसी एक तरह से क्रेप बैंडेज भी ले सकते हो, आप थेराबैंड भी ले सकते हो, उसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखिए आप इस तरीके इस एक्सरसाइज को अपन किस तरीके से करते हैं। इसमें आप टॉवल को काफ के स्ट्रेचिंग के लिए और टॉवल को टोज के नीचे की तरफ लगाते हैं, फुट के नीचे लगाते हैं, और फिर दोनों हाथों से पावर लगाकर उसको अपनी तरफ खींचते हैं। फुट को 10 तक काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इसको हम लूज छोड़ देते हैं। फिर दोबारा अपन इसको स्ट्रेच करते हैं, काफ फुट को अपनी तरफ खींचते हैं, 10 तक काउंट करते हैं, और फिर इसको लूज छोड़ देते हैं। एक्सरसाइज फोर्थ एक्सरसाइज जिसको हम बोलते हैं हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। इसके अंदर आप क्या करोगे, पिलो आप लोगे, पिलो के ऊपर आप फुट को रखोगे, हील पिलो के ऊपर होनी चाहिए और नी के नीचे आपका स्पेस होना चाहिए। इसमें आप फोर्स लगाओगे अपने हाथों से नी के ऊपर, और इसको फोर्स लगाकर जितना फोर्स लगा सकते हो उतना फोर्स लगाओगे, 10 तक काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आप इसको लूज छोड़ दोगे, वापस फिर आप इसको फोर्स लगाओगे, फिर 10 तक काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उसको लूज छोड़ दोगे। इस एक्सरसाइज को हम बोलते हैं हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। इसको आप किसी दूसरे पर्सन की हेल्प से भी कर सकते हैं, और ये तरीका सेल्फ एक्सरसाइज करने का है। पांचवी एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं हम नी बेंडिंग एक्सरसाइज, वो आपके नी को बेंड करने के लिए। शुरू के 3 वीक्स में नी को बेंड करना एक तरह से काफ़ी क्रूशियल होता है। इसमें क्या क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट जिस तरीके से अपन कर रहे हैं, मतलब आप सीधा लेट जाओगे और नी को धीरे धीरे करके फोल्ड करोगे, जितना आप कंफर्टेबली फोल्ड कर सकते हो। जैसे ही आपको पेन स्टार्ट होने लग जाए वहाँ पर आप रुक जाओगे, फिर आप 10 तक काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आप वापस थोड़ा सा फोल्ड करोगे, फिर 10 तक काउंट करोगे, और फिर आप नी को वापस स्ट्रेट कर लोगे। इस तरीके से इसको अपन 20 टाइम्स इस एक्सरसाइज को भी अपन रिपीट करेंगे। जितनी बार अपन एक्सरसाइज करेंगे उतना अपन नी को ज़्यादा जल्दी और अच्छे तरीके से बेंड कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आपने देखा वीडियो में कि नी को जब अपन बेंड कर रहे हैं, नी को जैसे ही अपन बेंड कर रहे हैं या फिर अपन नी को वापस स्ट्रेट कर रहे हैं, तो जो हील है वो आपके बेड से टच है, मतलब जिस सरफेस पर आप एक्सरसाइज कर रहे हो वो वापस हील अपन उससे ऊपर नहीं उठा रहे हैं, चाहे अपन नी को फोल्ड कर रहे हैं या फिर अपन नी को स्ट्रेट कर रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है नी बेंडिंग के टाइम पर। दूसरा जो तरीका है नी बेंडिंग का, उसको अपन बोलते हैं नी बेंडिंग इन प्रॉन पोजीशन। इसमें आप क्या करते हो, आप पूरी तरीके से प्रॉन पोजीशन में आ जाते हो। प्रॉन पोजीशन का मतलब होता है बिल्कुल उल्टा हो जाना, और इसमें नी को अपन धीरे धीरे करके फोल्ड करते हैं। इसके लिए हो सकता है आप नी को एक बार में फोल्ड नहीं कर पाए, तो आप दूसरे पैर का एक तरह से सपोर्ट ले सकते हो इसको फोल्ड करने के लिए। तो जैसे ही आपको पेन होने लग जाए आप वही 10 तक काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर उसको वापस आप नीचे की तरफ
लूज छोड़ दोगे या नी को आप स्ट्रेट कर लोगे। अभी जो लास्ट एक्सरसाइज जो अपन को फर्स्ट 3 वीक्स में करनी होती है उसको बोलते हैं अपन हिप एबडक्टर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। इसमें आप लेटरल पोजीशन में आ जाएंगे। लेटरल पोजीशन मींस एक साइड में जो आपका ऑपरेट हुआ नी है वो आपके ऊपर की तरफ होना चाहिए। इसमें आप बिना नी ब्रेस के या फिर नी ब्रेस के साथ में दोनों तरीके से इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। अगर आपको थोड़ा बहुत पेन है तो आप नी ब्रेस यूज कर सकते हो, अगर पेन नहीं है तो आप बिना नी ब्रेस के भी कर सकते हो। इसमें आप पैर को धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे, जितना आप कंफर्टेबली लिफ्ट कर सकते हैं, और 45 डिग्री आपके लिए सफिशियंट है, इससे ज़्यादा की आपको जरूरत नहीं है। फिर आप 10 तक काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर आप इसको नीचे की तरफ ले करके आ जाओगे। और इस तरह इस एक्सरसाइज को भी आप 20 टाइम्स रिपीट करोगे पर सेशन में। इस तरीके से ये जो एक्सरसाइज है वो अपने फर्स्ट 3 वीक्स के लिए है। और 3 वीक्स में जो अपना गोल होता है एक्सरसाइज का, ACL में जो एक्सरसाइज है 3 वीक्स में, उसका गोल होता है कि आपका नी पूरा स्ट्रेट हो जाना चाहिए, अबाउट 90 डिग्री, और जितना आप कंफर्टेबल हो उतना आप नी बेंड कर सकते हो। नी बेंड करना इतना इम्पोर्टेंट शुरू में नहीं होता है जितना नी को स्ट्रेट करना जरूरी होता है। दूसरा, आप इसके अंदर नी आपका पूरा ड्राई हो जाना चाहिए, मीन्स स्वेलिंग खत्म हो जानी चाहिए। तीसरा, अबाउट टू पेनलेस हो जाना चाहिए। अबाउट टू पेनलेस मीन्स जब आप चल रहे हो, अपना रूटीन वर्क कर रहे हो, टॉयलेट बाथरूम यूज कर रहे हो, तो उस समय आपको पेन नहीं होना चाहिए, और आप बिना सपोर्ट के अपना हाउस होल्ड जो वर्क है वो आप कर पाए, ऐसा हो जाना चाहिए। तो अगर आप ये एक्सरसाइज जो आपको बताई गई वीडियो में सही तरीके से करते हो तो 3 वीक्स में ये सारे गोल्स आपको अचीव हो जाने चाहिए। और जनरली जब ये सारे गोल्स अपन को अचीव हो जाते हैं तो उसके बाद अपन सेकंड फेज में एंटर करते हैं एक्सरसाइज की, जिसको अपन 3 टू 6 वीक्स के लिए बोलते हैं। एक्सरसाइज का जो प्रोटोकॉल है वो सर्जन डिपेंडेंट होता है, डिपेंड करता है कि सर्जन किस तरीके से सर्जरी कर रहा है, तो उसकी जो एक्सरसाइज का तरीका है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है वो सेम टू सेम एक्सरसाइज आपके सर्जन आपको बताएं। आपके सर्जन आपको थोड़ा सा डिफरेंट एक्सरसाइज भी बता सकते हैं, लेकिन जो गोल होता है 3 वीक्स में वो सेम होता है। मतलब मीन्स नी ड्राई हो जाना चाहिए, पेन नहीं होना चाहिए, रूटीन वर्क आप कर पाओ, बिना किसी सपोर्ट के आप थोड़ा बहुत अपना जो घर का सारा काम है वो आप कर पाओ, और नी आपका पूरा स्ट्रेट हो जाना चाहिए। इसमें एक चीज और है, जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसके बाद में आपको आइस फॉर्मेंटेशन करना है, और मैं अपने पेशेंट्स को ये हमेशा एडवाइज करता हूँ कि इन एक्सरसाइज को दिन में अबाउट 4 टू 5 टाइम्स वो रिपीट करें, और पर सेशन 20 टाइम्स का होना चाहिए। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें 3 टू 6 वीक्स की सारी एक्सरसाइज होंगी, और तब तक आप इसको अच्छे से देख लीजिए कि अगर आपने सर्जरी कराई है या फिर आपका फ्यूचर में सर्जरी कराने का प्लान है तो आपको एक्सरसाइज किस तरीके से करनी है।